जी हाँ, और स्वागत है आप सबका फ्रेंड एंड फैशन हिंदी में। जहाँ बात करती हूँ फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8:30 AM। यदि अपन साइज जिम इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो से आप रही अपडेट। एंड फ्रेंड, होली आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए होली हैक्स लेके आऊँ। आप ये तो नहीं सोचना कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कलर से कैसे बच सकते हो, क्योंकि वो आप नहीं बचने वाले। बट यस, मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि आप अपने स्किन को, अपने हेयर्स को, अपने नेल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो कलर्स के हार्मफुल केमिकल से। चलिए मेरा लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो कंसर्न हमारा होता है ना, वो होता है हमारे फेस को लेके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास कोई भी टोनर है ना, उसे आप रात में ही रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, बिल्कुल उसे चिल कर लीजिए। और सुबह फेस वॉश करने के बाद वही चिल टोनर को अपने पूरे फेस पे स्प्रे कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी ओपन पोर्स है ना, वो श्रिंक आउट हो जाएंगे, और श्रिंक होने के कारण जो भी कलर्स के हार्मफुल केमिकल्स होंगे ना, वो अंदर आपके पेनिट्रेट नहीं होंगे। बट यदि आपके पास टोनर नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आपको ये करना है कि आप एक आइस क्यूब लीजिए और फेस वॉश करने के बाद अपने पूरे फेस में उसे अच्छे से रब कर लीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1 मिनट तक अच्छे से उसे रब कर लेंगे ना, तो आपके जितने भी पोर्स है वो सारे श्रिंक आउट हो जाएंगे और कोई भी कलर के केमिकल्स आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप कि अपने स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अब मॉइस्चराइजर आप अपनी पसंद का भी यूज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप कोई भी कोकोनट ऑयल लीजिए और उससे अपने फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। इनफैक्ट सिर्फ फेस में नहीं, आप पूरी बॉडी पे ये कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक तो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, और दूसरा आपको पता होगा कि कोकोनट ऑयल जो होता है ना, वो मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। तो आप सोचो यदि आप उसे अप्लाई करके रखोगे तो ऊपर से जो भी कलर यदि चढ़ेगा तो उसे उतारना कितना ईजी हो जाएगा। तीसरी बात कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप अपने फेस, अपने हैंड या अपना जो भी आपका एक्सपोजर पार्ट है ना, उस पर आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, क्योंकि फ्रेंड होली में हम लोग दिन भर रंग खेलते रहते हैं और सन के कारण काफी टैन हो जाते हैं, और उसे लगा के आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे होली खेलने के लिए। फ्रेंड, जो नेक्स्ट है ना, वो कंसर्न हमें होता है हमारे हेयर्स को लेके। और हम गर्ल्स से अच्छा कोई नहीं जान पाता है कि होली के बाद हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, उसका क्या हाल होता है। इनफैक्ट यदि किसी ने हाईलाइट करवा रखे है तो वो हाईलाइट भी लाल, पीले, हरे, ब्लू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हेयर पे आप कोई भी लाइट हेयर ऑयल लगा लीजिए। अब आप बोलोगे नेहा मैं तो बिल्कुल चंपू चंपू लगूंगी होली के टाइम पे, तो बिल्कुल आप बहुत ज्यादा तेल मत लगाइए, बट हल्का सा ऑयल जरूर लगाइए ताकि जो आपके हेयर है ना, उसके ऊपर एक लेयर हो जाए ऑयल की, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये तो हो गई ऑयलिंग की बात। दूसरी बात कि अपने पूरे हेयर्स को आप ऊपर लेकर या तो आप एक बन बना लीजिए या फिर एक पोनी बना लीजिए, और उससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प नहीं दिखेंगे और जो भी कलर उस पर ऊपर से आएगा तो वो हम आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट नहीं होंगे, जिससे आपके स्कैल्प भी क्लीन रहेंगे। इनफैक्ट जब पेनिट्रेशन नहीं होगा तो आपको बहुत ही ज्यादा हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे। इनफैक्ट हमें बहुत सारे सेलिब्रिटी जो कि स्पॉट होते हैं टर्बन स्टाइल में, या फिर स्कार्फ को अच्छे से टाई करके अपने हेयर में और बाकी अपने पूरे हेयर को आगे करके ओपन रखते हैं, तो वो एक तो आपको स्टाइलिश लुक भी देगा और दूसरे आपके जो स्कैल्प होंगे ना, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। फ्रेंड, जो नेक्स्ट है वो है हमारे नेल्स को लेके। अब क्या होता है कि हम गर्ल्स को हमारे नेल्स बहुत पसंद होते हैं, और होली के बाद ना हमारे क्यूटिकल्स एरिया में और हमारे नेल्स इतने गंदे लगते देखने में कि हमें भी नहीं पता चलता कि यार वो नेल्स जब आगे बढ़ेंगे तो जाके हम उसे ट्रिम करेंगे और फिर जाके हमारे नेल्स ब्यूटीफुल लगेंगे। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि आप कोई भी डार्क कलर का नेल पेंट ले, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लैक हो गया, डार्क मरून हो गया, या फिर ब्लू हो गया, आप कोई भी डार्क कलर का नेल पेंट ले और उससे अपने सारे नेल को पेंट कर ले, वो भी 2 कोट के साथ। थिक कोट लगाइए ताकि उसके अंदर कलर्स ना लगे। एंड यस, जो आपके क्यूटिकल्स है ना, नाखून के जो चारों तरफ जो हमारे स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स लग जाते हैं और उसे छूटने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी वैसलिन की डिब्बी उठाओ, या फिर कोई भी हैवी ऑयल लाइक कैस्टर ऑयल आप ले सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट तो मुझे वैसलिन लगता है। तो आपको वैसलिन को इस तरह से निकालना है, अपने क्यूटिकल वाले जो पार्ट है ना उसमें इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए बस मसाज कर लो। ज़्यादा देर आपको नहीं करनी है, बस यदि आप 1 मिनट भी लगाओगे ना तो आपके दसों के दसों नाखून बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, आपके जो क्यूटिकल्स हैं ना वो सील हो जाएंगे। तो आप उसके बाद देखना कि आप कितना भी कलर खेलो बट आपके क्यूटिकल्स में और आपके नेल पे वो कलर नहीं चढ़ेंगे, तो आप अपने नेल को इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ना, वो है हमारी आंखों को लेकर, क्योंकि फ्रेंड होली में क्या होता है ना, इतने सारे कलर्स उड़ते हैं और हमारे आंखों में
बहुत ही ज्यादा इचिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, या फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। इनफैक्ट होली के बाद ना बहुत सारे केसेस आते हैं हॉस्पिटल में आंखों को लेकर, तो आंखों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए बेस्ट है कि आप सनग्लासेस यूज कीजिए। आप बहुत सारे सेलेब्स को देखते होंगे, वो स्पॉट होते हैं सनग्लासेस में होली खेलते वक्त, तो वो काफी कूल लगता है। तो अपने पास आप कलरफुल सनग्लासेस रखिए, इस तरह से ब्लू, गोल्डन, रेड, ग्रीन, आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हो। बट यस, आप ब्रांडेड मत लेना, क्योंकि होली में आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आपके सनग्लासेस सही हैं या ब्रेक हो रहे हैं, वो पता नहीं चलता है। तो इस तरह के सनग्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए, 100-150 में ये आराम से मिल जाते हैं। और इस तरह के सनग्लासेस को पहन के यदि आप होली खेलोगे ना, तो सोचो आप कितने कूल लगोगे और आपकी पिक्स आएगी सुपर डुपर ऑसम। तो इस तरह से सनग्लासेस जरूर पहनिए होली में और लगे बिल्कुल ट्रेंडी। बस इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब भी होली खेलने जाए तो हमेशा याद रखें कि आपकी जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, चाहे वो गोल्ड की हो या फिर डायमंड की हो, उसे आप निकाल के रख ले। उस वक्त आप हमेशा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने, क्योंकि खेलते वक्त ना हमें बिल्कुल भी होश नहीं होता है, और यदि वो ज्वेलरी खो जाती है तो बाद में वो एक अफसोस रह जाता है। इनफैक्ट इतनी सारे हंगामे, इतनी सारी मस्ती के बाद ये अफसोस ना बहुत ही बुरा लगता है। तो इससे पहले आप ये प्रिकॉशन ले और आपकी जो भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है उसे हटा के आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ले। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन सारी बातों का ख्याल रखिए और बिंदास होके अपनी होली एंजॉय कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। एंड यस, मुझे डीएम करना बिल्कुल मत भूलना कि पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं वो आपको कैसा लगा। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ स्टाइलिश में रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।